अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 109-110 किलोमीटर्स दूर है, दो घंटे की राइड है। रूट जो है वो वही रहेगा, फिर से हमें जो पैसा घाट वाली राइड हम लोग गए थे उतना दूर तो जाना ही, उसके बाद और आगे तक एक्सटेंड करना है। बट बेसिकली आना तो आना से हमको टर्न लेना है, वो रूट आप देख लेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बट राइट नाउ मेरे साथ बने रहिए इस चैनल पर। हमको बिलियन बन के बहुत मजा आ रहा है, बिलियन बनने में जो एहसास है वो माशाल्लाह, क्योंकि रोड में जो गड्ढे हैं उससे हमको बड़ा अच्छा लग रहा है। तो इस एहसास का मजा लीजिए और आइए कभी सड़कों पर, मध्य प्रदेश की सड़कों पर। रोड्स आर रियली इन द वर्स्ट कंडीशन। कनंगी पहुंच चुके हैं, मैं रुका हुआ हूँ यहाँ पर। एक बहुत ही खूबसूरत जगह है और नोटा के पास में एक ब्रिज है, उस पर पानी फ्लो कर रहा है, वहाँ पर सारे राइडर्स खड़े हुए हैं एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर देम कि वो आ जाए। विल बी रीचिंग बांदकपुर, बट तब तक के लिए बढ़िया है यार, एंजॉय करो, मस्त माहौल है, सामने पानी ही पानी है। आज पता नहीं लेकिन कैसे कल शाम तक तो बादल थे, तो मुझे लग रहा था कि शायद मुझे रेनकोट वियर करना पड़ेगा, लेकिन अभी आसमान में सूरज निकला हुआ है और टेम्परेचर भी गुड है, मौसम भी बहुत औसम हो चुका है, बारिश नहीं है लेकिन हवाओं में फिजाओं में ठंडक तो है। तो मज़ा लीजिए जनाब इस ठंडक का और तब तक चलिए फिर चलते हैं आगे। एंड हम लोग पहुँच गए हैं बांदकपुर, अभी बांदकपुर के मंदिर के ठीक सामने खड़े हुए हैं एंड सब लोगों ने अपना हेलमेट गियर्स सब सामने दुकान में रख दिए वैसे तो, और अब देखते हैं अंदर जाएंगे। अब हम एंटर कर रहे हैं मंदिर के अंदर, रेड कारपेट पर स्वागत किया गया है सभी लोगों का, आपका स्वागत है रेड कारपेट पर। बेसिकली बहुत चौड़ी पिंडी थी यार, शंकर जी के वाकई में बहुत चौड़ी पिंडी थी, इसलिए उसको हग नहीं कर सकते, बट यस इट्स ट्रू एंड आई हैव नॉट ट्राइड इट, ट्राई करने का मतलब नहीं है इसलिए। बट काफ़ी भीड़ है आज, रीज़न है कि आज समथिंग कॉल्ड अमावस्या इज देयर, मीन्स इट इज़ नो मून डे, तो जब पूरा का पूरा चांद गायब हो जाता है तो उसको बोलते हैं अमावस्या। एंड अभी हम लोग रुके हुए हैं अभाना में, स्नैक्स चल रहा है, चाय पी लिया है और अब वापस जा रहे हैं, लेकिन अब रूट थोड़ा चेंज कर रहे हैं, हम लोग एक्चुअली यहाँ से आए थे और अब इधर को जाएंगे। तो चलिए फिर मैं आपको मिलवा देता हूँ अपने राइडर्स दोस्तों से जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, कुछ गुफ्तगू चल रही है तो उनसे मिलवा देता हूँ। और मेरे साथ है यहाँ पर पुराना खिलाड़ी आभास, पुराना खिलाड़ी इश्तियाक एंड पुराना खिलाड़ी जावेद एंड न्यू कपल द न्यू ही इज मिस्टर कृष्ण कपलानी एंड श्वेता किशोर। अच्छा किशोर है, कृष्ण और वो भूल गए जो बचपन से जानते हैं एक दूसरे को। द फर्स्ट लेडी राइडर ऑफ जबलपुर, द फर्स्ट ऑफ आवर ग्रुप, और भी होंगी लेकिन फिलहाल तो कैमरे पे कोई नहीं है, द ट्रेंड सेटर। तो चलिए फिर अब वापस निकलते हैं एंड अभी लंच नहीं हुआ, लंच के लिए जाएंगे, थोड़ी देर में निकलेंगे यहाँ से, फिर लंच करेंगे। रैली वाला रूट इसलिए पकड़ रहे हैं क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल है, पूरा कहना चाहिए कि ग्रीनरी से भरा हुआ है, तो अभी इसको कवर करेंगे और आप तब तक एंजॉय कीजिए इस टाइम लैप्स का एंड एंजॉय कीजिए इस रूट का भी। तो मिलता हूँ मैं आपको लंच पे। ये
जावा है, जब आप क्रॉस करोगे पाटन, पाटन के बाद जबलपुर जा रहे हो तो इस ढाबे पे ज़रूर रुको खाना खाने के लिए। बेसिकली ये जो ढाबा है, फूड वॉज ऑसम, बहुत टेस्टी खाना है। यहाँ पर रुको, आराम से अपना लंच लो, ब्रंच लो, जो भी लेना है ब्रेक ले लो, बढ़िया है। और इस ढाबे का नाम है, ढाबे का नाम क्या भाई? रॉयल फैमिली रेस्टोरेंट। ओके, तो आवाज़ भाई रेट करेंगे खाने को। अरे ऑसम है, अच्छा है, लाइक वैल्यू फॉर मनी भी है। हाँ। और प्लस फिर आदि ने हमको डिस्काउंट दिलवा दिया है। डिस्काउंट दिलवा दिया, कभी भी आओ, मेरा रेफरेंस कोड लगा देना। मेरा रेफरेंस कोड लगा देना। तो खाना बहुत अच्छा था, नो डाउट। और अब बस तैयारी है वापस जाने की, थोड़ी देर में निकलेंगे यहाँ से, अभी रेस्ट कर लें। ओनली 30 मिनट्स, काफ़ी ऑफ रोडिंग हुई, रोड एकदम मक्खन है अब, पहले नहीं थी, पहले तो कुछ और ही थी, अभी रोड मक्खन है। जो आप देख रहे हैं ये बड़ा ऐतिहासिक सीन है, ये लोगों का ड्रीम है यहाँ जाना। ये जो जगह है, ये कारगिल का फ्लैग होस्टिंग जो सेरेमनी होता है उसका फोटो है। तो बेसिकली अब यहाँ से निकलेंगे और बस हो गया, बढ़िया है, सब फर्स्ट क्लास हुआ, एक नंबर राइड मस्त रही, मौसम भी अच्छा था, थोड़ी गर्मी हो गई है, बट इट्स ऑलवेज गुड कि जैसा भी हो हमें बस एंजॉय करना है, दैट्स इट। तो चलिए फिर अलविदा लेता हूँ मैं, अब अगली राइड पर फिर आपसे मिलूँगा जल्दी, किसी नए ठिकाने पर, किसी नई राइड पर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, अगर कुछ आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, नहीं पसंद आ रहा है तो डिसलाइक कर सकते हैं। शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करिए चैनल को और जाइए घूमिए, बहुत बड़ी दुनिया है और ज़िंदगी बहुत छोटी है मेरे दोस्त। तो चलिए फिर जाते हैं, चलो फिर, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।